सो गाइस, इस कंडीशन में कार को मैं कैसे रिवर्स करूँगा? मुझे इस रोड में लेके जाना है या इस रोड में लेके जाना है, तो मैं कैसे रिवर्स करूँगा मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं बैठूँगा, यहाँ पर सीट को अरेंजमेंट करूँगा। मैंने कार को सबसे पहले स्टार्ट किया और मैंने रिवर्स गियर लगाया। अब मुझे साइड मिरर्स भी देखना है, ORBM जो होते हैं, ORBM के अकॉर्डिंग मैं रिवर्स करूँगा। ORBM को इस तरीके से सेट किया जाता है, बिल्कुल पीछे का सब चीज़ देखना चाहिए अपन को। उस तरफ का ORBM भी इस तरीके से सेट करेंगे। ORBM यहाँ से सेट किया जाता है, इसको राइट तरफ करेंगे ना तो राइट नीचे ऊपर होता है ये, और लेफ्ट करेंगे ना तो लेफ्ट तरफ ORBM होता है और ये न्यूट्रल होता है सीधे। मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं साइड मिरर मिरर से देखूंगा। पहले मुझे जाना है बैक की तरफ लेफ्ट, तो मैंने ये रिवर्स किया। बैक भी देख जाऊंगा, कोई है तो नहीं है, देखते जाऊंगा मैं। इस तरफ से खम्मा भी है, उसको भी देखूंगा मैं आराम से, देर से निकालूंगा। ये निकल रही है गाड़ी। अगर लेफ्ट तरफ घुमाऊंगा स्टेयरिंग को तो लेफ्ट तरफ गाड़ी निकलती है, और राइट तरफ घुमाऊंगा तो राइट तरफ। कभी रिवर्स करते टाइम बैक देखा जाता है ना कि फ्रंट, फ्रंट अपोजिट जाता है हमेशा। बैक जिस तरफ जाना है, लेफ्ट तरफ निकालना बैक तो लेफ्ट तरफ निकलेगा, राइट तरफ निकालना तो राइट तरफ निकलेगा। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, राइट इंड करते मुझे राइट तरफ जाना है इधर से। ये मैंने बैक निकाला, ये जगह जा रहा हूँ मैं, सेकंड गियर लगा के। अब यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो मुझे राइट इंडिकेटर दे दिया मैंने। इंडिकेटर देने के बाद मैंने राइट पे ये टर्न किया, मैं ये निकल आया। इस तरीके से अपन रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स के बाद ट्यूटोरियल देखेंगे अपन ड्राइविंग का, कि मैं कैसे ऑपरेट करूँगा, ठीक है? और गाड़ी को एक रोड पे कैसे अपन को एक तरफ चलाना होता है, जैसे बीच रोड पे गाड़ी चल रही है। अब मेरे पास उस तरफ से कोई आ जाएगा तो मेरे तरफ राइट तरफ जगह नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपना लेफ्ट तरफ लेके चलूँगा हमेशा, लेफ्ट तरफ मिरर से देख कर राइट लेफ्ट तरफ का एडजस्टमेंट लगा के। ये मैंने थर्ड लगाया। अब मुझे देखो सामने से क्रॉसिंग है लेफ्ट तरफ के लिए, अब मुझे लेफ्ट ही जाना है, तो पहले क्या करूँगा, लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेफ्ट तरफ, और क्लच दबा के ये मैंने ब्रेक लगाया, ये मैंने ब्रेक लगाया। और पर यहाँ पे मैं स्टॉप भी करूँगा इस जगह पे, ये स्टॉप किया। और मुझे राइट तरफ भी देखना, कोई राइट तरफ तो आ तो नहीं रहा, लेफ्ट तरफ भी देखना है। और मुझे लेफ्ट तरफ टर्न खो के मुझे निकलना है, ये तो मैंने लेफ्ट तरफ घुमाया। इस तरीके से अपन को ड्राइव कर सकते हैं। और फिर यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है तो मैं सेकंड गियर में ही चलाऊंगा, ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखूंगा मैं, 20 की स्पीड है। और धीरे धीरे क्लच ब्रेक्स कंट्रोल करते हुए निकालूंगा मैं, स्पेस बहुत कम रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को ऐसे निकालूंगा। अब एक चीज़ और बताऊंगा इसमें आपको, कि एक ही रोड में यू टर्न कैसे करूंगा मैं, देखिएगा। मुझे वापस मुझे बिना रिवर्स किए एक यू टर्न करना है, तो पहले मैं लेफ्ट को जजमेंट दबाऊंगा गाड़ी को। ये मैंने दबाया गाड़ी को, मैंने वापस रिटर्न लेने के लिए ये मैंने पूरी स्टीयरिंग घुमाई, ठीक है? स्टीयरिंग घुमाने के बाद मैं स्पीड दूंगा, और क्लच के साथ साथ हाफ क्लच में धीरे धीरे स्पीड लेता हूँ, हाफ क्लच रहेगा लेकिन इस जगह पे। और मैंने ये रिटर्न किया, मैंने पूरी तरह से गाड़ी को मैंने ये घुमा लिया। ड्राइविंग ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी याद रखनी पड़ती हैं। और ये बस सारी देखिए, बस का जजमेंट देखिएगा मेरी राइट तरफ का, कितने पास निकल रही है देखो, जिस तरफ का जजमेंट, ये बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे। इस तरीके से अपन को गाड़ी को निकाल सकते हैं। फिर मैंने ये थर्ड लगाया। अरे छोटी सी रोड है, ज्यादा बड़ी रोड नहीं है, तो दोनों तरफ गाड़ियां आ रही हैं, दोनों तरफ जजमेंट लगा। जैसे बंदा जा रहा है मेरे को निकालना है, कितना जजमेंट लगाना है। ड्राइविंग ट्यूटोरियल में सारी चीजें देखी जाती हैं, कि मतलब छोटी छोटी बातें को ध्यान देना बहुत ज्यादा ड्राइविंग को लेकर, कि भाई सामने वाला बंदा कितने दूर से जा रहा है, रोड के अकॉर्डिंग मुझे कितना स्पेस बना के गाड़ी को निकालना है उसके अकॉर्डिंग। और स्पीड लेवल में अभी फोर्थ गियर में चला रहा हूँ 40 की स्पीड से, बट ये ध्यान देना है कि कंट्रोलिंग अपने हाथ में है, बेस्ट तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं जा रहा हूँ अभी, इस तरीके से अपन को ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। मुझे राइट टर्न करना है यहाँ से, राइट इंडिकेटर दूंगा पहले मैं, ये मैंने राइट इंडिकेटर दिया। और साथ में मैं स्लो करूंगा, अगर 40 से नीचे गाड़ी है तो मैं क्लच दबा के ब्रेक लगाऊंगा। मैंने क्लच दबाया, ब्रेक लगाया धीरे से, ये देखिए क्लच ब्रेक दबाया, और धीरे से वापस मैं ये सेकंड गियर लगा लूँगा। ये लगाया सेकंड गियर,
और राइट इंडिकेटर देखे, मुझे राइट तरफ मूव करना है। ये ध्यान देना कि इस तरफ लोग भगा रहे हैं, इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ लोग भगा रहे हैं, तो मुझे वेट करना अपने टाइम का, फर्स्ट गियर लगा के धीरे धीरे मूव करना। ये गाड़ी आ रही है, मैं रुकूंगा इसके लिए। ये रुक गया मैं, हाईवे निकलने के बाद मैं धीरे धीरे मूव करूंगा, मेरे को टाइम के अकॉर्डिंग मुझे वेट करना पड़ेगा। ये गाड़ी निकली यहाँ से, यहाँ से निकलने के बाद मैं धीरे धीरे मूव करूंगा गाड़ी को। ये निकल रही है देखो, अब लेफ्ट तरफ भी देखना, लेफ्ट तरफ तो कोई नहीं आ रहा ना। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये गाड़ी अपनी सीधी करी गाड़ी को, क्योंकि मैंने राइट में इसलिए सीधी किया कि मैं राइट तरफ घुमा के लाया हूँ गाड़ी को, राइट तरफ से लेकर आया हूँ मैं, इसलिए मैं राइट लाइन पे ही सीधी करी। क्योंकि उस तरफ, उस वाली लाइन पे सीधी करता ना तो उधर से भी बंदा कोई आ रहे होते, टक्कर हो जाती इस तरीके से। ये मैंने फोर्थ गियर में गाड़ी लगा दी, फोर्थ गियर में चल रहे हैं अपन 40 के अकॉर्डिंग ऊपर। ये तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कार ड्राइविंग के रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।